तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाफोर सिस्टम में। दोस्तों, अगर आप मेटाफोर सिस्टम में आईडी लगाए हुए हैं तो उसमें अगले स्लॉट किस प्रकार से एक्टिव किए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव स्लॉट एक्टिवेट करके दिखाएंगे, जिसको देखकर आप भी अपने स्लॉट आसानी के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेटाफोर्स के स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है। और यह देखिए, आप जो भी स्लॉट एक्टिवेट करना चाहते हैं, पहले आप उसकी कीमत देख लेंगे कि वह स्लॉट कितनी डाई का है और हमारे वैलेट में कितनी डाई हैं। तो दोस्तों, हमने जो अपनी आईडी लगाई थी, वह 3 स्लॉट के साथ आईडी लगाई थी, जो कि हमारे 3 स्लॉट पहले से ही एक्टिवेट हैं। अब दोस्तों, हम अपनी आईडी का 4th और 5th स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, जो कि 4th स्लॉट की कीमत 40 डाई स्टेबल कॉइन है और 5th स्लॉट की कीमत 80 डाई स्टेबल कॉइन है। तो दोस्तों, यह हमारे टोटल 120 डाई स्टेबल कॉइन हो जाएंगे। और आप हमारे वैलेट में देख सकते हैं, यहाँ पे भी 120 डाई स्टेबल कॉइन है। और यह हमारी पॉलीगॉन की थोड़ी सी नेटवर्क फीस भी है जो हमारे वैलेट में है। तो दोस्तों, हम इसकी मदद से आसानी से अपने स्लॉट एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों, स्लॉट एक्टिवेट कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको अपनी आईडी खोलने के लिए जो आपकी रेफर लिंक है, आप उस रेफर लिंक को कॉपी कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों, यह देखिए, हमारे पास व्हाट्सएप पर एक रेफर लिंक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों, रेफर लिंक की हमारी ज्वाइनिंग लिंक होती है। दोस्तों, अगर आपको ज्वाइनिंग लिंक चाहिए या रेफर लिंक चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए, हमने यह लिंक कॉपी कर ली है। अब इस लिंक को हम ट्रस्ट वॉलेट पे पेस्ट करेंगे। अब हमने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया है। यह देखिए, अब आपको ब्राउजर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे सेटिंग के बराबर में। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर जो लिंक हमने कॉपी की थी, वह लिंक हमें यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। और दोस्तों, हमें इसको सर्च कर देना है। दोस्तों, यह देखिए, जैसे हम इसको सर्च करते हैं तो यह सर्च होनी स्टार्ट हो जाती है। अब आपको ऊपर 3 डॉट के बराबर में आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि मेटाफोर्स में आईडी लगाते वक्त या स्लॉट एक्टिवेट करते वक्त आपको यहाँ पर पॉलीगॉन जरूर सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों, यह देखिए, हमारा यहाँ पर सर्च हो चुका है। तो हमारी यहाँ पर एक आईडी खुल चुकी है, जिसकी कि हमारे रेफर लिंक की। दोस्तों, हमने साइन अप पर क्लिक किया और ट्रस्ट वॉलेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वॉलेट इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब यह देखिए, हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। साइन अप नाउ पर क्लिक करना है और दोबारा से हमें ट्रस्ट वॉलेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और यह देखिए, हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। दोस्तों, हमने इसमें पहले ही आईडी लगा रखी है, तो हमारी आईडी ओपन हो जाएगी। यह देखिए, हमारे इसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्लॉट एक्टिवेट हैं क्लासिक में। यह देखिए, हम जैसे ही देखते हैं तो हमारा पहले, दूसरे और तीसरे स्लॉट एक्टिवेट हैं। दोस्तों, हम आपको इसमें 4th स्लॉट एक्टिवेट करके दिखाएंगे। तो यह देखिए, हम इस पर क्लिक करते हैं एक्टिवेट पर, जो जिसके लिए हमें 40 डाई की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, हम प्रोसेस पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं, ऊपर हमारा कनेक्शन चेक हो रहा है पॉलीगॉन का। और दोस्तों, इस स्लॉट की कीमत 40 डाई है, तो हमारा वैलेट चेक हो जाएगा और बैलेंस चेक, जो कि मैटिक कॉइन है, जो कि इसकी नेटवर्क फीस होती है, वह सभी चेक हो जाने के बाद अप्रूव डाई करने के लिए कन्फर्म मांगेगा। तो हम नीचे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और हमारी स्लॉट एक्टिवेट होने की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेटाफोर सिस्टम में ज्वाइन होना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास मैटिक कॉइन या डाई कॉइन नहीं है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से लेने हैं और किस प्रकार से लेने हैं। और इस सिस्टम में आप कम से कम 600 रुपये लगाकर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यह देखिए, हम फिर से अप्रूव कर देते हैं तो हमारा यह स्लॉट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि दोस्तों, हमारा स्लॉट एक्टिवेट हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और यह स्लॉट इस प्रोसेसिंग के बाद सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमारा यह स्लॉट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम 5th स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए, हमने 40 डाई का 4th स्लॉट एक्टिवेट कर लिया है। अब 5th स्लॉट 80 डाई का एक्टिवेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम प्रोसेस पर क्लिक करते हैं और हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों, यह सभी चेकिंग होने के बाद हमें डाई अप्रूव करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो हम उसको कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही हम कन्फर्म करते हैं, हमें थोड़ा वेट करना है। फिर आपको मैटिक कॉइन, जो कि इसकी नेटवर्क फीस होती है, इसको अप्रूव करने के लिए आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और बस आपको थोड़ी देर वेट करना है और यह आपका 5th स्लॉट भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से मेटाफोर्स में स्लॉट एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको इस सिस्टम में ज्वाइन होना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में लाइव हमने 2 स्लॉट आपको एक्टिवेट करके दिखाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।